आज है नया साल, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज है मेरा बर्थडे और आज हम जा रहे हैं मंदिर, बैजनाथ मंदिर घूमने के लिए। तो पहले तो मैं यहाँ पे नहा के जो मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अभी मैं बनाती हूँ फटाक से मंदिर के लिए प्रसाद, और फिर उसके मैं बना रही हूँ आटे का हलवा। तो फिर चलो बनाते हैं साथ साथ में। यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ। जो भी मुझे आटे का हलवा बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए था वो मैंने साइड में रख लिया था पहले से ही, घी, आटा और चीनी। और यहाँ पे मैंने जो पहले छोटी सी कढ़ाई ली हुई थी, क्योंकि ज़्यादा आटे का हलवा नहीं बनाना, सिर्फ बिल्कुल थोड़ा सा ही बनाना था, तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया था। और देन उसके बाद उसे अच्छे तरीके से गर्म होने दिया, और मैंने साइड में जो वो एक कटोरी में आटा भी लेके रख लिया हुआ था, तो फिर मैंने उसे ऐड किया। आटे को घी में डालने के बाद जब वो उसे अच्छे तरीके से चलाना है, और उसे हल्का सा जैसे गोल्डन ब्राउन सा होने देना कि आटा जो वो पक जाए घी में अच्छे तरीके से, उससे ना अच्छा सा टेस्ट भी आता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है आटे का हलवा। और देन मैंने इसे जो वो देखिए गोल्डन ब्राउन होने लग पड़ा है, फिर देन उसके बाद मैंने इसमें जो वो पानी भी ऐड कर दिया था, और साथ साथ में जो वो चीनी भी ऐड कर दी थी। और इसे थोड़ी देर जो वो हम चला लेंगे, और फिर हमारा जो वो आटे का हलवा बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने जो वो हलवा बना के रख लिया है, अब मैं इसे पूजा रूम में जाके रख देती हूँ। मम्मी गए हुए हैं नहाने के लिए, अमित ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, और मैं भी अभी जो वो पूजा कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद करते हैं ब्रेकफास्ट। मैं आपको मिलती हूँ पूजा करने के बाद। A few moments later. यहाँ पर अमित कर रहे हैं, अमित जो वो चूल्हे में पानी गर्म कर रहे हैं। अमित फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम जो करते थे छोटा नहीं, चूल्हे में पानी गर्म हो रहा है, और लियो मारे ना दुपक्के बैठ गए। लियो डर गए है ना इस चीज से, डर गए है ना लियो चूल्हे से। तो इस साइड क्यों बैठे हुए हो? अब इस साइड में तो आगे इधर बैठ जाओ ना, साइड में बैठ जाओ। पहले यहाँ पर नहीं है आपका, रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो चुके हैं, और अमित हाँ। चलो चलो, 12 बज गए। चलो चलो, मामा जी चीनी हो जो नहीं पेडिग्री दे दो। अभी हम यहाँ पर घर से जो निकल चुके हैं, हाँ मेरे हाथ में मैंने लिया हुआ यहाँ पर मम्मी का सूप, और अमित आ रहे पीछे से दरवाजा बंद करके, और हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। यहाँ पे पीछे हम निकलेंगे। लियो को हमने खाना खिला दिया हुआ है दोपहर वाला भी, और फिर क्योंकि हमें लेट हो जाएगा मंदिर से वापस आते टाइम। हाँ
अभी हम यहाँ पे जो वो पहुँच चुके हुए हैं बैजनाथ मंदिर, हम यहाँ पे नीचे ही रुके हुए हैं क्योंकि ऊपर हमें पार्किंग नहीं मिली थी, तो हम यहाँ तो हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई हुई है। खीर गंगा वाली पार्किंग ये भी आ रहा है हेलो बंद करना लाइट हमारा, हम यहाँ से चढ़ाई चढ़ के जाएंगे और ये है नीचे खीर गंगा इस साइड। इसमें आ जाती है आवाज बड़ी ज्यादा तेज़, पहले नहीं होता था यार, इतनी ज्यादा चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी हमें। यहाँ से व्यू काफी ज्यादा प्यारा सा रहा है। चढ़ाई बड़ी ज्यादा है यहाँ की, अभी देखो अभी थोड़ा ज्यादा है कि हमें काफी ज्यादा चढ़ाई चढ़नी है। क्या हुआ? बस कर दो बंद। मम्मी होती थी हमने इतनी सारी सीढ़ियाँ जो चढ़ के हम मंदिर पहुँच चुके हैं यार, काफी ज्यादा क्राउड है इधर तो। ये रहा बैजनाथ मंदिर, यहाँ पे हम चले हुए हैं। मंदिर में जो वो काफी ज्यादा भीड़ है क्योंकि न्यू ईयर भी है और ऊपर से जो वो मंडे भी है, तो उस वजह से जो वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और फिर मतलब हमें वेट करते तो हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब 3-4 तो जो वो हमें लाइन में लगे जाने थे लगे हुए, हमें 3-4 बजे दर्शन होने थे, पर भगवान की दया से जो वो हमें अच्छे तरीके से और मतलब 5-10 मिनट में जो वो हमें दर्शन हो गए थे, हमने अपनी पूजा वगैरह कर ली थी। और देन उसके बाद जो भी आसपास में जो भी राधा कृष्ण के मंदिर हैं, शिवलिंग है, हमने वहाँ गए और हमने वहाँ पे पूजा की। अभी हम जा रहे हैं घर वापस, अभी हम रास्ते में कहीं पे करेंगे लंच। और यार यहाँ पे नीचे जो वो काफ़ी ज़्यादा जो वो अच्छा एरिया बनाया हुआ है इन्होंने, और ये सामने है खीर गंगा।
और वहां जैसे जो वो हमारी गाड़ी खड़ी है, यार कितना ज्यादा ट्रैफिक आ जाए ना। मंडे भी है ना, न्यू ईयर है, मंडे भी है ना, तो काफी ज्यादा। आपसे आगे आपकी हालत खराब हो गई थी ना चढ़ाई पर। हमारे दर्शन जो वो काफ़ी अच्छे तरीके से हुए, और देन उसके बाद जो वो हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ भूख लगी हुई थी, क्योंकि सुबह के टाइम पे हमने ऐसे नॉर्मल सा ही ब्रेकफास्ट किया हुआ था, तो हमने लंच में जो वो प्रॉपर धाम खाई हुई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनी हुई है। यार धाम की तो बात ही अलग होती है, अभी ना देख के वीडियो एडिट करते हुए मुँह में पानी आ रहा है। देन उसके बाद हम घर पर पहुँच गए थे। बस यही था आज का छोटा सा मेरा मिनी ब्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। ओके बाय गाइस, आई होप कि आपको मेरी वीडियोस जो वो अच्छी लगती होंगी। ओके बाय।